क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब यहाँ देखिए, जैसे पढ़ना, खाना, काटना, पीना, ये सभी इसके उदाहरण हैं। अब यहाँ लड़की पुस्तक पढ़ रही है। अब लड़की काम तो कर रही है पढ़ने का, लेकिन किससे? तो यहाँ है पुस्तक, तो इसका मतलब है कि क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है। जो क्रिया हो रही है वो किसके द्वारा हो रही है? पुस्तक के द्वारा। मोहन केला खा रहा है। अब मोहन क्या क्रिया कर रहा है? खाने की क्रिया कर रहा है, लेकिन इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? केले पर। तो ये है केला, मोहन केला खा रहा है। अब हम देखते हैं अकर्मक क्रिया। अ प्लस कर्म के साथ जो काम हो रहा है उसके साथ जो क्रिया होती है उसे बोलते हैं हम अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है। कर्ता भी जो उस काम को कर रहा है, कर्म भी काम, कर्ता भी जो उस काम को कर रहा है, सीधा उस पर इसका प्रभाव पड़ता है। और कर्म अपेक्षा नहीं होते, जैसे जागना, उठना, दौड़ना, बैठना, रोना, खांसना, चलना आदि। अब एक चीज और जान लीजिए कि जब भी क्रिया से क्या, किसे, किसको आदि प्रश्नों के उत्तर मिले, जैसे कोई भी क्वेश्चन है उसके उत्तर मिले, तो उसे हम सकर्मक, वो सकर्मक क्रिया ही होगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए अकर्मक के उदाहरण, बच्ची हंस रही है। यहाँ पर देखिए आप, क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ रहा है। अब जो हंसना है वो कौन हंस रहा है? जो कर्ता है, जो काम कर रहा है, यानी बच्ची। बच्ची हंस रही है। सेकंड है राधा नाचती है। आप नाचती है, लेकिन कौन? राधा। तो ये हुए हमारे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया।